अब कुछ सॉल्ट हो चुका है, बस ये दो कंट्री अगर मान गए तो जनाब बल्गारिया और रोमानिया को शेंजन जोन में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि बल्गारिया और रोमानिया जैसा कि दो कंट्री हैं जो यूरोप में आना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कल के कल ही यूरोपियन यूनियन ने ये एक पार्लियामेंट में एक अजलास हुआ था और उन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह शाया की है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी भी तसल्ली कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो है, बल्गारिया और रोमानिया। बहुत ज्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कब ये शेंजन जोन का हिस्सा बनेंगे, तो जनाब ये वीडियो पूरी डिटेल के साथ देखिए। और अगर तो आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जनाब जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो हुदारा हाय हेलो के साथ मैं बार बार कहता हूँ, अपना क्वेश्चन भी बताया करें, क्योंकि यार मुझे सबको रिप्लाई देना होता है। तो यार जब आप मुझे अपना मसला भी साथ बता देते हो, क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो इससे मेरा टाइम थोड़ा सेफ हो जाता है, क्योंकि मेरी कोई फीस वगैरह नहीं है, तो इस वजह से मैं सबको ही रिप्लाई देता हूँ, लेकिन हाँ ऊपर नीचे हो जाता है। तो एनीवे, और आप सपोर्ट भी किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट करता हूँ। एनीवे वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये वाली न्यूज़ आप खुद भी अपनी तसल्ली कर सकते हैं, गूगल में जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये कल के कल ही उन्होंने पार्लियामेंट में इजलास वगैरह हुआ है रोमानिया और बल्गारिया से रिलेटेड। तो एनीवे मैं आपको इसका हिस्सा ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने ना बहस छेड़ी हुई है। और ये दो कंट्री ऐसे हैं जो 2005 और 2007 से कोशिश कर रहे हैं कि हमें शेंजन जोन में आने दो, हमें शेंजन जोन में आना है, लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी ना किसी कारण डिले होता जाता है। और कितने साल गुजर गए हैं, ये ईयू का हिस्सा तो बन गया है बल्गारिया और रोमानिया, लेकिन शेंजन जोन का हिस्सा ये अभी भी नहीं है। और रिसेंटली आप लोगों को पता है कि क्रोएशिया जैसे कि शेंजन जोन का हिस्सा बन चुका है, तो अभी ये दो कंट्री पीछे रह गए हैं, ठीक है। और ये जब यहाँ पे इजलास होता है तो पूरी यूरोपियन यूनियन बैठती है, ठीक है। एक कंट्री डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ भाई बल्गारिया और रोमानिया को हम शेंजन जोन में लेके आए या ना लाए, क्योंकि सारे यूरोपियन कंट्री एक साथ बैठते हैं, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, और अगर सारे रजामंद हों तो ही ये काम आगे बढ़ता है। तो जैसे कि क्रोएशिया तो अपनी बाजी ले गया है, और अभी बल्गारिया और रोमानिया रह गया, और वहां पे बहुत ज्यादा एजेंटी भी आजकल हो रही है। और अभी जो ये इजलास हुआ है यूरोपियन यूनियन का, तो जनाब इन्होंने कहा क्या है इसमें बल्गारिया और रोमानिया से रिलेटेड, इन्होंने कहा है कि ऑफकोर्स हम बल्गारिया और रोमानिया को शेंजन जोन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन बल्गारिया को और रोमानिया को थोड़ा इसके ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये हार्ड वर्क क्या है, क्योंकि बल्गारिया और रोमानिया से बहुत ज्यादा इलीगल लोग या इमिग्रेंट्स आगे आते हैं। जैसे कि रोमानिया में तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का काम चल रहा है, क्योंकि लोग एजेंट लोग उनको रोमानिया भेज देते हैं, कोई 12 लाख लेता है, कोई 14 लाख, कोई 15 लाख, पता नहीं जहां पे कोई लगे ऐसे करते हैं। तो जब वो रोमानिया पहुंच जाते हैं, तो फिर रोमानिया से वो टैक्सियां इधर उधर से करके इलीगल तौर पे यूरोप में ऑस्ट्रिया में एंट्री करते हैं। तो जितने भी शेंजन जोन के कंट्री हैं, इवन जर्मनी तक वो राजी है कि हाँ भाई हम भी चाहते हैं ये शेंजन जोन का हिस्सा बन जाए रोमानिया और बल्गारिया, लेकिन और शेंजन जोन में दो कंट्री ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि रोमानिया और बल्गारिया शेंजन जोन का हिस्सा बन जाए, और वो कंट्री है ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड। और इनका ऐसा पंगा क्यों है, क्योंकि रोमानिया आ जाते हैं, फिर रोमानिया आके वो टैक्सी या इधर उधर करके इलीगल तौर पे ऑस्ट्रिया में घुसते हैं, हंगरी में घुसते हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रिया का रूल बहुत टाइट है, और ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड वो होम कंट्री हैं शेंजन जोन के, तो उनकी मानी भी जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं, पर ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड ने मुखालफत तो की है, इसके अगेंस्ट तो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है हम ऑफकोर्स रोमानिया और बल्गारिया को शेंजन जोन का हिस्सा बनाएंगे अगर वो अपना बॉर्डर सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग करता है, अच्छा करता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया। ये चीज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हो सकता है कि हम इस साल के एंड में बल्गारिया और रोमानिया को शेंजन जोन में ले आए, अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो। अगर ऐसे ही इमिग्रेंट्स या इलीगल लोग आगे आते रहे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ भाई ये इनको शेंजन जोन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि उनका साफ साफ मुद्दा है, कोई इधर उधर की बात है ही नहीं है। अगर वो अपने बॉर्डर को ठीक ठाक से क्लियर करते हैं, इमिग्रेंट्स को क्लियर करते हैं, इलीगल लोगों को आगे नहीं आने देते, तो ऑफकोर्स रोमानिया भी शेंजन जोन का हिस्सा हो जाएगा। और मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि यूरोपियन यूनियन क्यों चाहता है कि हाँ भाई इसको भी हम रोमानिया और बल्गारिया को शेंजन जोन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो अपने शेंजन जोन को और बिग और बड़ा करना चाहते हैं। और ये बात मुझे भी समझ में आती है, और सब आप देखने वालों को और सुनने वालों को भी समझ में आती है, क्योंकि जितनी ज्यादा कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, उतने ज्यादा डेवलपमेंट के चांस भी और ज्यादा होते हैं। और जितना ज्यादा वो डेवलप करेंगे और जितने ज्यादा कंट्रीज
शेंजन जोन में आएंगे, तो इससे पूरे यूरोप को ही फायदा होता है। तो जी हो सकता है कि अगले 6-8 महीनों में कोई अच्छी गुड न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेंजन जोन से रिलेटेड, रोमानिया के रिलेटेड शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत जोर लगा रहे हैं अभी ना, ठीक ठाक जोर लगा रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे बहुत सालों से एफर्ट भी कर रहे हैं कि हमें भी शेंजन जोन का हिस्सा होना चाहिए। तो जी ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्री मान चुके हैं, राजी हो गए हैं इनको शेंजन जोन में लेके आने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड ये बस नहीं मान रहे, और रोमानिया को और बल्गारिया को। अभी इनको प्रूफ करना है कि हाँ भाई हमने अपने बॉर्डर सर्विसेज बहुत अच्छी बना दी हैं, ठीक है। तो बस और तकरीबन सब कुछ सॉल्व हो चुका है, बस ये दो कंट्री अगर मान गए तो जनाब बल्गारिया और रोमानिया को शेंजन जोन में आने से कोई भी नहीं रोक सकता।